बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ENT वार्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अब ENT के अंदर 96 चैप्टर है, लेकिन 96 चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो आपने ENT वार्ड के अंदर पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक है? नंबर 1, क्लिनिकल एनाटमी ऑफ मिडल ईयर। नंबर 2, ओटाइटिस एक्सटर्ना। नंबर 3, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। हेयरिंग असेसमेंट जिसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री है, मास्टॉइड एब्सेस है, बॉयल नोस पॉलिप्स, ओके एथमॉइडल पॉलिप है, यारंट्रोक्वाइनल पॉलिप है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एपिस्टैक्सिस, राइनोलिथ, साइनोसाइटस, एंजियोफाइब्रोमा, इन्वर्टेड पेपिलोमा, NPC, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, एक्यूट क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, एडिनाइट, लुडविक एंजाइना, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, यूट्रोफेरिंजियल या पैराफेरिंजियल एब्सेस। यानी जो ये वाले जो टॉपिक है या जो फर्स्ट से लेकर सिक्स तक, तो ये एयर वाले पोर्शन से है। सेवन्थ से लेकर 12th तक ये नेजल कैविटी में से है। 13 से लेकर हम कह सकते हैं कि 13 से लेकर 20 तक ये फेरिंग्स में से है। 21 से लेकर 23 तक, ओके 24 तक भी कह लो आप, लैरिंग्स ट्रैकिया में से है और इसोफेगोस्कोपी इसोफेगस वाले टॉपिक में से है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लिनिकल एनाटमी ऑफ मिडल ईयर से। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो एनाटमी ऑफ मिडल ईयर को स्टार्ट करते हैं। तो मिडल ईयर ये वो पार्ट है जो एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। ओके ठीक हो गया। तो जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के साथ यूस्टेशियन ट्यूब, ऑडिटस, एंट्रम और मास्टॉइड हेयर सेल, 1, 2, 3, 4, 5, इन पांच चीज़ों को मिला दो तो उसको बोलते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, ईयर से फिल्ड होता है। ओके ठीक हो गया। अब मिडल ईयर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेसो टिम्पैनम, एपी टिम्पैनम, हाइपो टिम्पैनम, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ टेंसर, सॉरी पार्स टेंसा। जो पार्ट पार्स टेंसा से ऊपर पड़ा हुआ होगा, लेकिन शरपनल मेम्ब्रेन या पार्स फ्लैसिडा से मीडियल पड़ा हुआ होगा, और बोनी लैटरल एटिक वाल जिसको स्कोटम कहते हैं उससे मीडियल पड़ा हुआ होगा, तो उसको एपिटिम्पैनम कहते हैं। टेंसर, सॉरी पार्स टेंसा के जो ऑपोजिट पड़ा हुआ होगा तो वह मेसो टिम्पैनम है, और पार्स टेंसा से जो नीचे पड़ा हुआ होगा वो हाइपो टिम्पैनम होगा। और हाइपो टिम्पैनम का वो वाला पार्ट जो यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग को, टिम्पैनिक ओरिफिस को कवर करेगा, तो उसको बोलते हैं प्रो टिम्पैनम। अब मिडल ईयर की छह बाउंड्रीज होती है, रूफ, फ्लोर। रूफ बनता होता है टाइगमेंट टिम्पनाई से। ओके जो टाइगमेंट टिम्पनाई है ये ऑडिटस और एंट्रम की भी रूफ बना लेती है। टिम्पैनिक कैविटी को मिडिल क्रैनियल फॉसा से सेपरेट करती है। फ्लोर है, फ्लोर भी एक थिन प्लेट ऑफ बोन से बनती है जो टिम्पैनिक कैविटी को जुगलर बल्ब से सेपरेट करती है। ओके कभी कभार ये डेफिशिएंट होती है। उसके बाद एंटीरियर वाल है, एंटीरियर वाल के अंदर ओपनिंग होती है फॉर द एग्जिट ऑफ कॉर्डल टिम्पनाई। एंटीरियर वाल में भी थिन प्लेट ऑफ बोन होती है जो उसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करती है। यहाँ पर वैसे तीन ओपनिंग होती है, यहाँ पे दो लिखी हुई है, एक ओपनिंग कॉर्डल टिम्पनाई की एग्जिट के लिए होती है, एक ओपनिंग यूस्टेशियन ट्यूब के लिए होती है, और एक ओपनिंग केनाल फॉर टेंसर टिम्पनाई के लिए होती है। इसके बाद पोस्टीरियर वाल है, पोस्टीरियर वाल मास्टॉइड हेयर सेल के नज़दीक पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एक बोनी प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं पिरामिड। ओके तो इस बोनी प्रोजेक्शन को हम पिरामिड कहते हैं, और उस पिरामिड के जो एपेक्स है वहाँ से टेंडन ऑफ स्टेपीडियस निकलता है और ये स्टेपीज की नेक पे जाके अटैच हो जाता है। इसके साथ एक ओपनिंग भी होती है जिसको बोलते हैं ऑडिटस। ओके जो ऑडिटस है आपको नज़र आ रहा होगा ये इस वाल में है, हम ये पोस्टीरियर वाल पढ़ रहे हैं, तो जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑडिटस। ये वो ओपनिंग है जिसके जरिए जो एटिक है, एटिक को टिम्पैनम भी कहते हैं, ये एंट्रम के साथ कम्युनिकेट करता है। ओके और ये पिरामिड से आपको ऊपर देखने को मिलता है, ये पिरामिड है, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑडिटस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फेशियल रिसेस होती है। ओके फेशियल रिसेस नाम से लग रहा है कि यहाँ पर फेशियल नर्व होगी जिसको पोस्टीरियर साइनस भी कहते हैं। ओके तो ये पोस्टीरियर वाल में डिप्रेशन होता है पिरामिड से थोड़ा बहुत लैटरल। ओके ठीक हो गया। फिर या इसको हम कह सकते हैं पोस्टीरियर साइनस भी कह सकते हैं, यानी इसके मीडियली क्या पड़ा हुआ होगा, वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व। ओके वर्टिकली क्या पड़ा होगा, मीडियली क्या पड़ा होगा, वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व होगा। लैटरली कोड नर्व पड़ी होती है जिसका नाम है कॉडा टिम्पनाई। ये वाली कॉडा टिम्पनाई है, ये वाली फेशियल नर्व का वर्टिकल पार्ट होता है। ओके और इससे ऊपर एक फोसा होता है जिसको फोसा इनक्यूडस कहते होते हैं। सर्जिकली ये रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि यहाँ पर आप एंटर होते हैं, इसी रिसेस को यूज़ करते हुए मिडल ईयर में एंटर होते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग पोस्टीरियर केनाल वाल। ओके ठीक हो गया। यानी यहाँ पर केनाल वाल आप ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। मीडियल वाल लेब्राइन से बनती है, यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं प्रोमोन्ट्री कहते हैं। प्रोमोन्ट्री बेजल कॉयल से बनता होता है, एक ओवल विंडो होती है। ओके ओवल विंडो होगी, इसके अलावा राउंड विंडो होगी, ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है। जो ओवल विंडो होती है यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, राउंड विंडो। ओके जिसको फेनेस्ट्रा कोक्लिया कहते हैं, तो यहाँ पर स्कैंड्रल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती है। ओवल विंडो से अबव देखें तो केनाल फॉर फेशियल नर्व है। ओके केनाल फॉर
नर्व है, और ये वाली फेशियल रिसेस आपने पढ़ी थी, ओके ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोजेक्शंस होती है, हुक लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको प्रोसेसेस कोक्लियर फॉर्मिस वगैरह भी आप इसको कह सकते हैं, प्रोसेसेस कोक्लियर फॉर्मिस, ये हुक लाइक प्रोजेक्शन होती है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ें होगी, यहाँ पे एक साइनस टिम्पेनाई भी होता है। अब जो साइनस टिम्पेनाई है उसके बारे में कहा जाता है कि इसके नीचे पड़ा होता है सुबिकुलम और उसके ऊपर पड़ा होता है पॉन्टिकुलेस। लास्ट है लैटरल वाल, लैटरल वाल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से बनती है। इसके अलावा ये लैटरल आउटर एटिक वाल जिसको स्कूटम कहते हैं उससे भी बनती होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और ये विंडो होती है किसके अंदर, मिडल ईयर के अंदर। तो पहला टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है, वो है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ मिडल ईयर। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है ओटाइटस एक्सटर्नल या ओटाइटस एक्सटर्ना। तो ओटाइटस एक्सटर्निया को डिपेंडिंग अपॉन एटियोलॉजी दो में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्टिव और रिएक्टिव। इन्फेक्टिव में इन्फेक्शन होगा, रिएक्टिव में कोई ना कोई एक्शन होगा, उसका कोई रिएक्शन होगा। तो इन्फेक्टिव को मज़ीद तीन में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। बैक्टीरियल को मज़ीद तीन में डिवाइड करते हैं, फ्रंकल, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना और मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फंगल को ओटोमाइकोसिस कहते हैं, वायरल को हर्पीज ओटिकस और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरिजिका भी कहते हैं। रिएक्टिव को तीन में डिवाइड करते हैं, एक्जीमेटस, सिबोरिक और न्यूरोडर्मेटाइटस। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ्रेंकल है, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमाइकोसिस है, जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, फ्रेंकल से सवाल आता है, ओके। ऑटोमाइकोसिस से आता है ज़्यादातर सवाल, ओके, और मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना से आता है। तो फ्रेंकल से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंकल को लोकलाइज भी कहते हैं, स्टेफलोकोकल ओरियल इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का, और चूंकि हेयर आपकी कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होती है, दैट इज़ वाई कि जो इन्फेक्शन होता है फ्रेंकल होता है, ये आपको कार्टिलेजिनस पार्ट में देखने को मिलता है, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे सिवियर पेन होगा, टेंडनेस होता है, ओके ठीक हो गया, पेन टेंडनेस होगा, मूवमेंट ऑफ पिना पेनफुल होती है, जा मूवमेंट ये भी पेनफुल होती है, ट्रेगल साइन पॉजिटिव आता है। अगर फ्रंकल पोस्टीरियर मीटल वाल का हो तो ये मास्टॉइड का एडिमा करा देगा, जहाँ पे मास्टॉइड है उसके ऊपर एडिमा करवा देगा, जिसकी वजह से रिट्रो ओरिकुलर ग्रूव खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा पैरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर जो ऑरिकुलर लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग होगी, टेंडनेस होती है। ट्रीटमेंट की बात करते तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या है, अगर एब्सेस फॉर्मेशन है या एब्सेस फॉर्मेशन नहीं है। अगर एब्सेस फॉर्मेशन है तो इंसीजन ड्रेनेज, अगर एब्सेस नहीं बनी तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक लोकल हीट आपने अप्लाई करनी है। इसके अलावा ये 10% इथामोल ग्लिसरीन, ये भी आपने अप्लाई करनी है, जो ग्लिसरीन होती है ये डीमा को रिड्यूस कर देती है, जबकि जो इथामोल है ये एंटीसेप्टिक होती है। लेकिन अगर रिकरेंट फ्रेनकलोसिस है तो आपने सबसे पहले डायबिटीज़ को निकालना है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ओके, इसके बाद आपने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देकर उसको ट्रीट करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इन्फेक्टिव ग्रुप ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना, तो वो ऑटोमाइकोसिस है। ऑटोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन होता है एयर कैनाल का, स्पेसिफिकली एस्पर्जिलस से होता है, लेकिन ये कैंडिडा से भी हो सकता है, एस्पर्जिलस नाइगर, एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, ओके, एस्पर्जिलस अल्बाइकेंस या कैंडिडा, यानी एस्पर्जिलस और कैंडिडा की वजह से होता है, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में होता है, ओके। इसके अलावा जो स्कैंड्री फंगल ग्रोथ है, यानी ऑटोमाइकोसिस का एक और वजह ये हो सकती है कि कभी कभार आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लेते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना या मिडल ईयर सुपरेशन, ओके। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना या मिडल ईयर सुपरेशन पस बन गई है, उसके लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उसकी वजह से स्कैंड्री फंगल ग्रोथ हो सकती है, ऑटोमाइकोसिस हो सकता है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं तो ईचिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, वाटरी डिस्चार्ज होती है, मस्टी ऑर्डर होता है, एयर ब्लॉकेट हो सकती है। जो फंजाई का मैस है वो वाइट, ब्राउन, ब्लैक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंजाई है। जैसे एस्पर्जिलस नाइगर है वो ब्लैक कलर का होता है, एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का होता है, किनिडा वाइट रंग का होता है, ओके। जो मीएटल स्किन है, मीएटस की स्किन सूडन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, एडिमाटस हो जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एयर टॉयलेट होगा, ओके। जो एयर टॉयलेट है वो आप सिरिंजिंग से भी कर सकते हैं, एयर टॉयलेट आप सक्शन से भी कर सकते हैं, मोपिंग से भी कर सकते हैं। नंबर टू, स्पेसिफिक एंटी फंगल ड्रग यूज़ करेंगे, लाइक निस्टेटिन हो गया, इसके अलावा क्लोट्रिमेजोल हो गया, पोवेडिन, आयोडीन, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद 10% सैलिसैलिक एसिड इन अल्कोहल, ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि केराटोलेटिक एजेंट है, सुपरफिशियल लेयर को रिमूव कर देगा, फंजाई की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा, ओके। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, दैट इज़ वाई आपने एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड का कम्बिनेशन लेना है, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना या नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना है। तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जो कि सूडोमोनास के इन्फेक्शन की वजह से होती है, दो कंडीशन में होती है, डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ओके। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, एक्सक्रूशिएटिंग शार्प पेन होता है, ईयर किनाल में ग्रैनुलेशन होती है, फेशियल
पैरालिसिस होती है, अगर इसका इन्फेक्शन स्कल बेस में चला जाए, जुगलर फोरामिन में चला जाए, तो वहाँ पे जुगलर फोरामिन सिंड्रोम हो जाएगा, क्रेनियल नर्व पाल्सी होती है, एंटीरियरली या टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट के फोसा में चला जा सकता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा में जा सकता है, पोस्टीरियरली मास्टॉइड में जा सकता है, मीडियली मिडल ईयर में जा सकता होता है। डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल हिस्ट्री है, डायकोटैल्जिया होगा, डायबिटिक पेशेंट होगा, ईयर किनाल में ग्रैनुलेशन होगी, स्पेसिफिकली कार्टिलेजिनस और बोनी 1/3 का जंक्शन जहाँ पे होता है। सिटी स्कैन आप देखोगे तो वहाँ पे बोन की डिस्ट्रक्शन होती है, गैलियम 65, 66 और टेक्नीटियम 99, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, डायबिटीज़ को ठीक करो, क्या करो, एयर किनाल को टॉयलेट करो, साफ करो, यानी डिस्चार्ज को, डेब्रिस को, ग्रेनुलेशन को, डेड टिश्यू को, बोन को रिमूव करो, एंटीबायोटिक लो, एंटीबायोटिक में जेंटामाइसिन, टिकार्सलिन है, थर्ड जनरेशन सेफलोसपोरिन है लाइक सेफ्ट्रायोक्सोन, सेफ्टाजिडीम, क्विनिलोन्स है लाइक सेप्राफ्लोक्सासिन, उफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन है। ओके ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ओके फॉरन बॉडी ऑफ एयर, इसको देख लो। फॉरन बॉडी दो टाइप की होती है, नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग में क्या क्या हो सकता है, पीस ऑफ पेपर हो सकता है, स्पॉन्ज हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, सीड्स हो सकती है, राइस वीट मेज के सीड्स हो सकती है, पेंसिल की स्लेट हो सकती है, चाक या मेटेलिक बाल बेरिंग का कोई पीस हो सकता है, ठीक हो गया। जबकि लिविंग के अंदर इंसेक्ट हो सकते हैं, मॉस्किटो, बीटल्स, कॉकरोचेस, आंट्स, ये एयर के नाल में एंटर हो जाती है और सीवियर इंटेंस इरीटेशन वगैरह करवा देती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर में वो है केराटोसिस ऑब्टुरेन, जिसको कोलेस्टिटोटोमा वगैरह भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर जो डी स्क्विमेटेड एपिथीलियम है जो शेड आउट हो चुकी है, उसका पेयरली वाइट मैस होता है किसके अंदर, डीप मिएटस के अंदर, जिसको केराटोसिस ऑब्टुरेन कहते हैं। ओके तो ये बोन की ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, बोन की एब्जॉर्प्शन करा देगा क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से मिएटस काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा, फेशियल नर्व एक्सपोज हो जाएगी और ये टूट भी सकती है, सॉरी पैरालाइज हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में पेन होगा, हेयरिंग लॉस, रिनाइटस और फेशियल नर्व पाल्सी के आपको साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद डिजीजेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, डिजीजेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर टिम्पैनिक रप्चर है, टिम्पैनिक रप्चर की क्या क्या वजूहत हो सकती है। नंबर वन ट्रॉमा, ट्रॉमा हेयर पिन की वजह से हो सकता है, मैच स्ट्रिक की वजह से हो सकता है, अनस्किल्ड अटेम्प्ट की वजह से हो सकता है, या फिर सडन चेंज इन एयर प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल किसी को चांटा पड़ा, चमाटा पड़ गया, स्लैब है या किस है एयर किनाल में, या कोई बम धमाका हुआ, या जो वाल्सल्वा फोर्सिवली आपने परफॉर्म किया। इसके अलावा फ्लूइड कॉलम से प्रेशर लगा, फॉर एग्जांपल आप नीचे समंदर में तैराकी कर रहे थे, वाटर स्पोर्ट्स, या फोर्सफुल सिरिंजिंग है, या टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर है, तो ट्रॉमा एयर प्रेशर का चेंज, प्रेशर बाय फ्लूइड कॉलम और प्रेशर ऑफ सॉरी फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, नो एयर ड्रॉप्स जो एजिस होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो फट चुकी है वो खुद ब खुद इन्वर्ट होकर खुद ब खुद हील हो जाती है। बाकी जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो फेशियल पैरालिसिस है, सबलुक्सेशन ऑफ स्टेपीज है, जिसकी वजह से वर्टिगो निस्टैग्मस हो सकता है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता होता है। ओके इसके बाद टिम्पैनोसक्लेरोसिस है, टिम्पैनोसक्लेरोसिस के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो मिडल ईयर है उसकी हायलिनाइजेशन और कैल्सिफिकेशन होती है, चाकी वाइट प्लाक बनना शुरू हो जाती है, तो ये SOM में देखने को मिल सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ट्यूब, जिसको आप ग्रोमेट कहते हैं। ओके ठीक हो गया। इसके बाद परफोरेशन है जो सेंट्रल याटिक हो सकती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। अब ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन के डिफरेंट नेम होते हैं, लाइक ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन को सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ग्लू ईयर कहते हैं। ये वो कंडीशन है जिसमें मिडिल ईयर कैविटी के अंदर या मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर, क्लेफ्ट के अंदर पाँच चीज़ें आती है, मिडिल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब, ओटिटस एंट्रम और मास्टॉइड हेयर सेल, तो उनके अंदर इस मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर नॉन स्टेरॉइल नॉन पुरुलेंट फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड थिक भी हो सकता है, विस्कस भी हो सकता है, बच्चों को इन्वॉल्व करता है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो ये दो मैकेनिज्म की वजह से होता है, या तो यूस्टेशियन ट्यूब की माल फंक्शनिंग है लेकिन नॉन इन्फेक्टिव है, अगर इन्फेक्टिव होती तो ये एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया करवा देगी। तो पहला है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, यानी यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर के अंदर एरेशन नहीं कर पाई, ओके यानी मिडल ईयर का प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाई, इसके अलावा मिडल ईयर के फ्लूइड को ड्रेन नहीं कर पाई, या फिर मिडल ईयर म्यूकोजा की इंक्रीज सेक्रेटरी एक्टिविटी है। एटियोलॉजी की बात करते हैं, पहला है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब नॉन इन्फेक्टिव, बच्चों में एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया जिसकी वजह से बायलैटरल होता है, क्रॉनिक रिनाइटिस, साइनसाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, यानी टॉन्सिलाइटिस बढ़ गया तो वो मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट को, ओके और फिजियोलॉजिकल भी इंटरफेयर कर सकते हैं ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब को। इसके अलावा बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेसोफेरिंक्स है, तो इस केस में आपने यूनिलैटरल SOM को मार्क करना है अडल्ट के अंदर। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये नेसोफेरिंजियल कैंसर की वजह से तो नहीं हुआ, और लास्ट में पैलेटल डिफेक्ट है जिसकी वजह से बायलैटरल SOM होता है, लाइक लेफ्ट पैलेट है और
पैलेटल पैरालिसिस है, ओके, क्योंकि जो क्लेफ्ट पैलेट या पैलेटल पैरालिसिस, इसके अंदर टेंसर विलाई पैलेटिने का फंक्शन डिफेक्टिव हो जाता है, जिसने आगे क्या करवाना होता है, इसने यूस्टेशियन ट्यूब की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। अब एलर्जी के बारे में बात करते हैं, ओके, यानी टेंसर विलाई पैलेटिनी ने खोलना होता है। एलर्जी ने दोनों मैकेनिज्म के जरिए काम करना है, सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ा देना है और यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक कर देना है बाय एडिमा, अनरिजॉल्व्ड ओटाइटिस मीडिया। तो इसने सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देना है, गोबलेट सेल और म्यूकस सेल को बढ़ा देना है, वायरल इन्फेक्शन, इन्होंने भी सेक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ा देना है, फॉर एग्जांपल एडीनो वायरस, राइनो वायरस। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो सिप्टम और ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग। सिप्टम में जो चाइल्ड होगा वो 5 से लेकर 8 साल का होगा, हियरिंग लॉस होता है, पेनलेस हियरिंग लॉस होता है, पेनलेस फ्लक्चुएटिंग कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, सुन नहीं सकता, टीवी ऊंची आवाज में सुनता होता है, ओके, डिफेक्टिव और डिलेड स्पीच होती है और पेन इतना ज़्यादा नहीं होता। ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग के बारे में बात करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल होती है, ओपैक होती है, लाइट रिफ्लेक्स नहीं होगा, ओके, इसके अलावा ये येलोविश ग्रे या ब्लूइश भी हो सकती है इन कलर, ओके, ठीक हो गया। अब थिन लीश ऑफ ब्लड वेसल आपको देखने को मिल सकती है ऑन द हैंडल ऑफ मेलियस या फिर पेरिफेरी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेकिन ये डिफर करती है ESOM के अंदर। ESOM के अंदर बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, इसमें कंजेशन नहीं होती बल्कि थिन लीश होती है ब्लड वेसल की, ओके। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है डल बल्जिंग वगैरह हो सकती है, और इसके अलावा अगर फ्लूइड थिन है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है तो इन कंडीशन के अंदर आपको फ्लूइड लेवल या एयर बबल्स भी देखने को मिल सकती है। हियरिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ट्यूनिंग फोर टेस्ट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, ऑडियोमीटर में कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा 20 से लेकर 40 डेसिबल का, ओके, प्योर टोन ऑडियोमीटर की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा कभी कभार सेंसोरियल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो राउंड विंडो को कंप्रेस करेगा, प्रेशर लगाएगा, ओके, ठीक हो गया। नंबर 3 है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इन्फेंट के अंदर, बच्चों के अंदर, तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्लायंस काफ़ी ज़्यादा कम हुई होगी, फ्लैट कर्व होगा और वो नेगेटिव साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बी टाइप कर्व कहते हैं। एक्सरे मास्टोइड के अंदर क्लाउडीनेस ऑफ ईयर सर देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट 2 टाइप का होता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल में डिकॉन्जेस्टेंट, ओके, टॉपिकल आती है, एंटी एलर्जिक मेजर्स है जिसमें एंटी हिस्टामिन या स्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं या मिडिल ईयर एरेशन कर सकते हैं। मिडिल ईयर एरेशन वाल्सल्वा मैन्यूवर से, पोलिटराइजेशन से, यूस्टेशियन ट्यूब कैथेटराइजेशन से या गम्स की च्यूइंग से कर सकते हैं। सर्जिकल के अंदर आफ्टर 3 मंथ्स की बात करते हैं, जब हियरिंग लॉस 25 डेसिबल से ज्यादा हो, तो सर्जिकल के अंदर भी 4 चीजें हैं, मेनिंजोटॉमी, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड, ग्रोमेट इंसर्शन, ओके, और यहाँ पर जो मेनिंजोटॉमी है 2 इंसिजन देते हैं, एक एंटीरियर इंफीरियर और दूसरा एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में, ओके। ग्रोमेट इंसर्शन, ग्रोमेट इंसर्शन हमेशा एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में करते हैं। टिम्पैनोटॉमी या कॉर्टिकल मास्टॉइडेक्टोमी, और लास्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर, ठीक हो गया। और बेयर कैन प्रिंसिपल को आपने याद रख लेना है, ओके, इसके बाद इसके सेक्यूली या कॉम्प्लिकेशन होती है। अच्छा, बायोफिल्म 3 कंडीशन में बनती है, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, आरएस का मतलब राइनोसाइनोसाइटिस, और चौथा होगा एडिनोआइटोन्सिलाइटिस वगैरह। तो सेक्यूली या कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एट्रोफी हो जाएगा, मिडिल ईयर की एटीलेक्टेसिस हो सकती है, ओसिकुलर नेक्रोसिस हो सकता है, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस, टिम्पैनोसिक्लेरोसिस हो सकती है, रिट्रैक्शन पॉकेट और कोलिस्टीरोटोमा हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल ग्रानुलोमा बन सकता होता है, ओके। तो यहाँ तक तो हमने ESOM कर लिया है, सॉरी, ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। अच्छा, ESOM की 5 होती है स्टेजेस, स्टेज ऑफ ट्यूबल ऑक्लूजन, प्री सुपरेशन, सुपरेशन, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन और कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसके बाद है CSOM, ओके, CSOM। तो थोड़ा बहुत कोलिस्टीरोटोमा का भी आपको पता होना चाहिए। कोलिस्टीरोटोमा का दूसरे जो होते हैं एपिडर्मोसिस या केराटोमा होता है। कॉन्जेनिटल कोलिस्टीरोटोमा पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में होता है, जबकि एक्वाइर्ड वाला प्रोसेक्ट स्पेस या एपिटिम्पैनम के अंदर या एटिक के अंदर होता है, ओके। तो कोलिस्टीरोटोमा का मतलब है स्किन इन द रॉन्ग प्लेस होता है, 2 पार्ट होता है, मैट्रिक्स और केराटिन डेब्रिस। मैट्रिक्स केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम पर मुश्तमिल होता है, ओके, और केराटिन डेब्रिस वहाँ से प्रोड्यूस होता है एपिथेलियम से। अब इसकी कुछ थ्योरीज होती है, 1 कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट, 2 विटमैक थ्योरी जिसमें रिट्रैक्शन पॉकेट्स होते हैं, ओके, एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसर से, ओके। इसके अलावा बेसल सेल हाइपरप्लेजिया हो सकता है जिसको रूडी थ्योरी कहते हैं, एपिथेलियल इन्वेजन हो सकती है जिसको हैबरमैन थ्योरी कह सकते हैं, और मेटाप्लेजिया जिसमें सैडी थ्योरी होती है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिस्टीरोटोमा, तो ये 2 टाइप का होता है, कॉन्जेनिटल और एक्वाइर्ड भी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके, ठीक हो गया। कॉन्जेनिटल के अंदर कॉन्जेनिटल सेल रेस्ट होती है, जबकि प्राइमरी एक्वाइर्ड के अंदर इन्वेजिनेशन होती है पार्स प्लासिडा की। इन्वेजिनेशन वाली जो थ्योरी थी उसको हैबरमैन थ्योरी कहते हैं, जबकि बेसल सेल हाइपरप्लेजिया इसको बोलते हैं रूडी थ्योरी, और स्क्वैमस मेटाप्लेजिया को हम सैडी थ्योरी कहते हैं, ओके। माइग्रेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम है, ओके, तो जो माइग्रेशन वाला
थ्योरी और मेटाप्लेजिया वाली थ्योरी आपने अप्लाई कर देनी है। इसके बाद CSOM है, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है कि 12 हफ्तों से ज़्यादा का इन्फेक्शन होगा, ईयर डिस्चार्ज होता है, परमानेंट परफोरेशन होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। परमानेंट परफोरेशन का मतलब है कि जो एजिस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वो स्क्वेमस एपिथीलियम से कवर होते हैं और वो खुद ब खुद हील नहीं होते। अब इसकी दो टाइप्स होती है, एटिको एंट्रल और ट्यूबो टिम्पैनिक। ट्यूबो टिम्पैनिक को सेफ या बिनाइन कहते हैं, ये एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करेगा। एंटीरो का मतलब यूस्टेशियन ट्यूब, इन्फीरियर का मतलब मीजो टिम्पैनम। सेंट्रल परफोरेशन होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जबकि एटिको एंट्रल को अनसेफ या डेंजरस कहते हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट को इन्वॉल्व करेगा, यानी पीछे मास्टॉइड और सुपीरियर एंट्रम वगैरह एटिक वगैरह पड़े हुए चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे एटिक या मार्जिनल परफोरेशन होती है, तो यहाँ पे बोन इरोजन होगी, कॉम्प्लिकेशन में कोलिस्टीटोटोमा, ग्रैनुलेशन, ऑस्टियाइटिस वगैरह होता है। क्लियर, तो इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। तो नंबर वन है डिस्चार्ज, तो ट्यूबर टिम्पैनिक को सेफ या बिनाइन कहते हैं, तो इसमें जो डिस्चार्ज होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो म्यूकॉइड होती है, ऑर्डरलेस होती है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ी होगी, पुरुलेंट होती है, फुल स्मेलिंग होती है। परफोरेशन इसमें सेंट्रल होती है, उसमें मार्जिनल एटिक होती है। ग्रैनुलेशन की बात करते हैं, CGCP, सी का मतलब है कोलिस्टीटोटोमा और जी का मतलब ग्रैनुलेशन, ओके, फिर कॉलेज कॉम्प्लिकेशन और पी का मतलब पॉलिप। ये सब चीज़ें एटिको एंट्रल या अनसेफ में होती है। जो पॉलिप होता है वो रेड और फ्लैशी होता है, इसमें पेल होता है। ऑडियोग्राम में यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, यहाँ पर मिक्स्ड हियरिंग लॉस होगा। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ अल्टरनेट क्लासिफिकेशन भी लिखी है, लाइक उसको दो में डिवाइड करते हैं, म्यूकोजल डिजीज और स्क्वेमल डिजीज। ओके, म्यूकोजल डिजीज को इसलिए कहती है क्योंकि यहाँ पे स्क्वेमस एपिथीलियम को इन्वेड नहीं किया। ओके, ठीक हो गया। इसको ट्यूबर टिम्पैनिक भी कहते हैं, फिर इसको दो तीन में डिवाइड करते हैं, एक्टिव, इनएक्टिव और हील्ड। एक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्स टेंसर की परफोरेशन होती है ट्यूबर टिम्पैनिक में, सेंट्रल परफोरेशन होती है, म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है या म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। इनएक्टिव इसको कहेंगे जब परमानेंट परफोरेशन होती है पार्स टेंसर की, लेकिन मिडिल ईयर में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, परमानेंट परफोरेशन का मतलब है कि जो एजेस है वो आपस में दूसरे से फ्यूज कर गई है। हील्ड का मतलब है जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हीलिंग हो गई है दो लेयर से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एट्रोफी है और इजीली रिट्रैक्शन हो सकती है इन केस ऑफ नेगेटिव प्रेशर, और हील्ड के अंदर टिम्पैनोसक्लेरोसिस भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, थोड़ा मैं जूम कर लूँ। ओके, जो स्क्वेमस डिजीज है उसको एटिक कंट्रोल भी कहते हैं। ओके, क्योंकि स्क्वेमस एपिथीलियम को इन्वेट करता होता है। इनएक्टिव इसकी वजह से कहते हैं जब रिट्रैक्शन पॉकेट होती है पार्स टेंसा में, पार्स टेंसा के भी पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट के अंदर होती है। ओके, या पार्स फ्लैसिडा के अंदर होगी। ठीक हो गया, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पार्स टेंसा या पार्स फ्लैसिडा, या उसको एटिलेक्टिक ईयर भी कहते हैं। ओके, जबकि एक्टिव का मतलब है कि कोलिस्टीटोटोमा मौजूद है। कोलिस्टीटोटोमा दो जगह पे होगा, पार्स टेंसा के पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट में और पार्स फ्लैसिडा के अंदर। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं, तो क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे। ओके, तो ट्यूबो टिम्पैनिक में ईयर डिस्चार्ज नॉन ऑफेंसिव, म्यूकॉइड म्यूकोपुरुलेंट होती है। ओके, यानी म्यूकॉइड होगा, कॉन्स्टेंट या इंटरमिटेंट होता है। हियरिंग क्या होगा, यहाँ पे आपने याद रखना है राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फेस डिफरेंशियल को मेंटेन करता है। परफोरेशन सेंट्रल होती है, मिडिल ईयर का म्यूकोजा पेल पिंक मॉइस्ट होता है। ओके, असेसमेंट के अंदर एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप, ऑडियोग्राम, कल्चर सेंसिटिविटी, मास्टॉइड एक्सरे या सीटी स्कैन, टेम्पोरल बोन ये करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ओरल टॉयलेट है, यानी डिस्चार्ज और डेब्रिस को निकाल देंगे, एयर ड्रॉप्स देंगे, नियोमाइसिन वगैरह के, सिस्टमिक एंटीबायोटिक प्रिकॉशन, कंट्रीब्यूटरी कॉज को ट्रीट करना, सर्जिकल ट्रीटमेंट है और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। जबकि एटिको एंट्रल को ठीक करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, किनाल वाल डाउन और किनाल वाल अप। इसके अलावा रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। अब किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन में क्या फ़र्क होता है, किनाल वाल डाउन में जो मिएटस होता है एक्सटर्नल कॉस्टिक मिएटस, वह मास्टॉइड से कम्युनिकेट कर रहा होता है, यानी पोस्टीरियर मिएटल वाल को आपने निकाल देना होता है। ओके, ठीक हो गया। तो जब पोस्टीरियर मिएटल वाल को रिमूव कर दोगे तो आपको बार बार आना पड़ेगा मास्टॉइड कैविटी को क्लीन कराने के लिए, लेकिन इसमें आप नहीं करते। ओके, लेकिन आप एक मर्तबा पोस्टीरियर मिएटल वाल को निकाल दोगे तो रिकरेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होगे, सेकंड लुक सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन पेशेंट स्विम नहीं कर सकता, स्विमिंग की वजह से इन्फेक्शन होगा और बंदा कोई ऑडिटरी डिवाइस को लगा भी नहीं सकता। ओके, ठीक हो गया। बाकी इसके ट्रीटमेंट के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर वही सेम है, एग्जामिनेशन अंडर माइक्रोस्कोप उसमें भी था, ऑडियोग्राम उसमें भी था, ओके, ट्यूनिंग फॉर टेस्ट उसमें भी थे, कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ एयर डिस्चार्ज उसमें भी था, मास्टॉइड एक्सरे, तो सेम इनकी असेसमेंट या इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर इसके बाद आपने इसका ट्रीटमेंट प्लेन कह रहा हूँ प्लान, अब इसकी मैनेजमेंट को देख लो। CSOM अगर कोलिस्टीटोटोमा नहीं है तो फिर आप दो में डिवाइड करते हैं, वेट परफोरेशन और ड्राई परफोरेशन। अगर वेट परफोरेशन है
ओरल टॉयलेट करेंगे, टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स और प्रिकॉशन करेंगे, ओके। फिर इसके बाद दो कंडीशन हो सकती है, या तो परसिस्टेंट डिस्चार्ज है या ड्राई परफोरेशन है। अगर ड्राई परफोरेशन है तो मेनिंजोप्लास्टी या टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज हो रही है तो टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे, लेकिन मास्टोइडेक्टमी भी साथ कर सकते हैं, लेकिन मेनिंजोप्लास्टी नहीं करेंगे। फिर अगर कोलिस्टीटोटोमा है तो दो दो टाइप की सर्जरी होगी, CVW, किनाल वाल अप और किनाल वाल डाउन। किनाल वाल अप के अंदर पोस्टीरियर मीडियल वाल को नहीं निकालते, जिसकी वजह से आपको बार बार सर्जरी रूटीन क्लीनिंग तो नहीं करवानी पड़ती, लेकिन रिकरेंस और सेकंड लुक सर्जरी वगैरह हो सकती है, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं होती और ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन में भी कोई मसला नहीं होता, ओके। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देख लो, कॉम्प्लिकेशन दो टाइप की होती है, इंट्रा टेम्पोरल और इंट्राक्रेनियल। इंट्रा टेम्पोरल में मास्टोइडाइटिस, पेट्रोसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस और लैबरिंथाइटिस है, मोस्ट कॉमन मास्टोइडाइटिस होती है, जबकि इंट्राक्रेनियल में एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, ब्रेन एब्सेस, मेनिनजाइटिस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोफिलेबाइटिस और ओटिक हाइड्रोसेफलस है, और पेट्रोसाइटिस के अंदर आपने ग्रेडिनिको सिंड्रोम को जरूर देख लेना है, ओके। अब इसी में जो कॉम्प्लिकेशन है, एक फोकस हो जाओ, अच्छा एक कॉम्प्लिकेशन है मास्टोइड एब्सेस, अब वो इसको एक्सप्लेन करने का क्या रहा है, ओके। तो जो मास्टोइडाइटिस होता है दो टाइप का होता है, एक्यूट और लेटेंट। लेटेंट को भी छोड़ देते हैं, जो एक्यूट मास्टोइडाइटिस है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है मास्टोइड लाइनिंग ऑफ एंट्रम और हेयर सेल्स की होती है, ओके ठीक हो गया। एटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये एक्यूट सुपरेटिवाइटिस मीडिया की वजह से हो सकता है, ओके। बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, और जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो दो मेजर पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, नंबर वन पस के प्रोडक्शन और नंबर टू डी कैल्सिफिकेशन और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन ऑफ बोनी वाल। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो साइन और सेप्टम है, साइन में पेन होगा कान के पीछे, नंबर टू फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन और एयर डिस्चार्ज होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा साइन के बारे में बात करते हैं, मास्टोइड टेंडरनेस होता है, ओके, पल्सेटाइल ओटोरिया होता है जिसको लाइट हाउस साइन कहते हैं, यानी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होती है, वो पल्सेटाइल फॉर्म में निकलती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम निकलती है, जो दो कंडीशन में होती है, ESVM और एक्यूट मास्टोइडाइटिस। इसके अलावा पोस्टीरियर सुपीरियर मीडियल वाल की सैगिंग होती है, परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मास्टोइड की स्वेलिंग होती है, हेयरिंग लॉस होता है, और कुछ जनरल फाइंडिंग्स होती है। इन्वेस्टिगेशन में CBC कराओगे, एक्सरे मास्टोइड, ईयर स्वैप करेंगे। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, तो आपने किन किन कंडीशन से इसको सेपरेट करना है, नंबर वन मास्टोइड लिम्फ नोड की सुपरेशन से डिफरेंशिएट करना है, नंबर टू फरेनकुलोसिस से करना है, नंबर थ्री इन्फेक्टिव सीबेशियस सिस्ट इससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ओके। नंबर फोर यहाँ पर लिखा हुआ, अच्छा नंबर फोर होगा हमारा, नंबर फोर यहाँ पे है ही नहीं, अच्छा तो ये कंडीशंस है जिनको आपने इसे डिफरेंशियली डायग्नोस करना होता है, ओके ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ एब्सेस होती है इन रिलेशन टू द मास्टोइड इन्फेक्शन, लाइक पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस, जाइकोमैटिक, बिजोल्ड एब्सेस, मीटल एब्सेस जिसको लक्स एब्सेस कहते हैं, सिटेली एब्सेस और पैराफेरेंजियल या रिट्रोफेरेंजियल एब्सेस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे ये खत्म हो गया ईयर के, अब आ रहे हैं बॉयल ऑफ नोज, ओके। तो नोज वाले टॉपिक आ जाते हैं, ओके। फ्रंकल या बॉयल और दूसरा वेस्टिबुलाइटिस है। फ्रंकल को क्या बोलते हैं, स्टेफलोकोकल ओरियल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल है, तो क्या हो सकता है कि नोज पिकिंग में ट्रॉमा हो गया, या नेजल विब्रिसी को प्लग कर रहे थे तो ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से फ्रंकल या बॉयल हो सकता है। पेनफुल टेंडर होता है, स्वेलिंग हो सकती है, ओके, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर वार्म कंप्रेशन दोगे, पेन किलर दोगे, इसके अलावा टॉपिकल या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दोगे अगेंस्ट द स्टेफलोकोकस ऑरियस, ठीक हो गया। और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं कि कैमरनस साइनस में चला जाएगा और कैमरनस साइनस थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोफिलिबाइटिस वगैरह करवा देगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अच्छा मैंने दो चीज़ें छोड़ दी है, PTA और टिम्पैनोमेट्री, चलो उसको देख लेते हैं, पियोटोन ऑडियोमेट्री और ओके। तो जो पियोटोन ऑडियोमेट्री है ये ऑडियोमीटर, यानी ऑडियोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि पियोटोन को प्रोड्यूस करता है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साउंड को प्रोड्यूस करता होता है, जिसकी इंटेंसिटी को हम 5 डेसिबल के यूनिट से बढ़ाते होते हैं। यूजली जो एयर कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड है वो 125, डबल करो 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, जबकि बोन कंडक्शन का 250 से स्टार्ट होता है, ओके, और 4 KA तक जाता होता है, जबकि उसका 125 से लेकर 8 KA तक जाता होता है, ओके। अब जितनी ज़्यादा आपने इंटेंसिटी बढ़ानी होती है नॉर्मल लेवल से, उतना आपको पता लग जाएगा कि उस बंदे में उतना हेयरिंग लॉस है। इसका एक ग्राफ बनता है जिसको ऑडियोग्राम कहते हैं। जो थ्रेशोल्ड होता है बोन कंडक्शन का, बोन कंडक्शन कॉक्लियर फंक्शन को बताती है, एयर कंडक्शन मिडल ईयर के फंक्शन को बताती है। अगर एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के थ्रेशोल्ड में जो डिफरेंस आता है वो हमें बता देगा डिग्री ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ओके ठीक हो गया।
इसके अलावा इसके यूजेस को देख लेते हैं। ओके, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, बाय ईयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन। नंबर टू, डिग्री एंड द टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। नंबर थ्री, रिकॉर्ड को बचा सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। नंबर फोर, ऑडियोग्राम फॉर प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। हैंडीकैप की डिग्री को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, टिम्पैनोमेट्री है। ओके, टिम्पैनोमेट्री में पांच कर्व आती है, ए, ई एस, ए डी, बी और सी। ए नॉर्मल है, ए एस का मतलब कंप्लायंस कम हो गई है, फिक्सेशन ऑफ ऑसिकल्स में है लाइक ओटोसक्लोरिसिस या मेलियस फिक्सेशन। ए डी का मतलब कंप्लायंस बढ़ गई है। ओके, तो या आपको ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी में देखने को मिलता है या थिन या लैक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टाइप बी का मतलब है, बी का मतलब भरा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लैट या डूम शेप ग्राफ आता है। ओके, यानी मिडिल ईयर फ्लूइड में या थिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आता है, जबकि टाइप सी वाला रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉलिप्स की तरफ, नेजल पॉलिप की तरफ। तो नेजल पॉलिप दो टाइप के होते हैं, एंट्रोक्वानल पॉलिप और बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप। इनका डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। जो एंट्रोक्वानल पॉलिप होता है ये बच्चों में होता है, जबकि बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप ये आपको किस में देखने को मिलता है, अडल्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ओके, जो बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप होती है मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एंट्रोक्वानल पॉलिप है सिंगल होता है। तो एंट्रोक्वानल पॉलिप बच्चों में होता है, लेकिन एथमॉइडल पॉलिप बड़ों में होता है। एंट्रोक्वानल पॉलिप इन्फेक्शन की वजह से होता है, एथमॉइडल पॉलिप एलर्जी या मल्टीफैक्टोरियल की वजह से हो सकता है, लाइक क्रॉनिक राइनोसाइनसाइटिस है, चारक स्ट्रॉस सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस है, या फिर आपने सेंट्रल ट्रायड को पढ़ना है। इसके अलावा एनसी नेजल मास्टोसाइटोसिस है, के फॉर कार्टिजनल सिंड्रोम और वाई फॉर यंग सिंड्रोम। एंट्रोक्वानल पॉलिप सिंगल होते हैं, बायलैटरल एथमॉइडल पॉलिप बहुत सारे होते हैं। लैटरलिटी की बात करते हैं तो ये यूनिलैटरल है, ये बायलैटरल होते हैं। ये मैक्सिलरी साइनस से निकलते हैं या एथमॉइडल साइनस, अनसीनेट प्रोसेस, मिडल टर्बिनेट या मिडल मीएटर से निकलते हैं। ये पीछे की तरफ ग्रो करते हैं, डैट इज वाई पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। ये बाहर की तरफ निकलते हैं, एंटीरियर राइनोस्कोपी करेंगे। ट्राई लोबुलर होते हैं, ये ग्रेप शेप होता है। ट्राई लोबुलर में तीन पार्ट्स होंगे, एंट्रोक्वानल और नेजल पार्ट। रिकनेस इसका ज़्यादा होता है बायलैटरल का, और ट्रीटमेंट दोनों का फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। इसके बाद डीएनएस है। ओके, तो डीएनएस वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, डिविएटेड नेजल सेप्टम है। तो डीएनएस होता है, डीएनएस की चार इटियालॉजी है। नंबर वन ट्रॉमा, नंबर टू डेवलपमेंटल एरर, नंबर थ्री रेशियल फैक्टर, नंबर फोर हेरिडिटरी फैक्टर। और टाइप्स ऑफ डीएनएस में पांच आ जाती है, सबसे मोस्ट कॉमन होती है स्पर होती है। ओके, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डिफॉर्मिटी, स्पर और थिकनिंग होती है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो क्लिनिकल फीचर का निमोनिक होता है, शी मीन। ओके, एस फोर साइनोसाइटिस, एच फोर हेडेक, ई फोर एपिस्टेक्सिस, एम फोर क्या होगा मिडल ईयर इन्फेक्शन, ई फोर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी, ए फोर एनोसमिया और एन फोर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वेस्टिबुलर हो सकती है, एंड द नेजल वेल्व हो सकती है, एटिक पे हो सकती है। ओके, ये एटिक कान वाला नहीं है, टर्बिनल हो सकती है। ओके, इसके अलावा क्वानल भी हो सकती है। ओके, और यहाँ पर जो टेस्ट करेंगे वो कॉटल टेस्ट होगा। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी है। एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी का डिफरेंस अगर आ सकता होता है तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी में क्या फ़र्क होता है। तो जो एसएमआर है ये एक्सटेंसिव प्रोसेस है, सेप्टोप्लास्टी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसमें एक्सटेंसिव डाइसेक्शन करते हैं। ओके, सेप्टम की एक्सटेंसिव डाइसेक्शन करते हैं, तमाम डिफॉर्म्ड बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को निकालते हैं, सिर्फ कॉडल या डोर्सल पार्ट को रहने देते हैं। लेकिन सेप्टोप्लास्टी में लिमिटेड सिलेक्टिव डाइसेक्शन होती है, इसमें मिनिमल कार्टिलेज और बोन को निकालते हैं। ओके, ठीक हो गया, और बहुत सारे कार्टिलेज और बोन को हम बचा लेंगे। जो डिफॉर्म पार्ट है उसको ठीक करते हैं, रीइम्प्लांट कर देते हैं। ये 17 से नीचे नहीं करते, 17 से नीचे कर सकते होते हैं। म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल और पेरिओस्टियल फ्लैप को रेस करते हैं दोनों साइड्स में, लेकिन इसमें से एक ही साइड पे रिमूव करते हैं। ओके, बोनी और कार्टिलेजनस पार्ट को एक्साइज करते हैं, जबकि इसमें डिफॉर्म पार्ट को स्कोरिंग, क्रॉस हैचिंग, वेजिक सी एंड रीअलाइनिंग से ठीक कर देते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। री ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है, री ऑपरेशन इसमें ईजी होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एपिस्टैक्सिस वाला टॉपिक है। एपिस्टैक्सिस दो टाइप की होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। जो इंटीरियर एपिस्टैक्सिस होती है, ओके, तो ये नो स्पीकिंग की वजह से होती है, खासतौर पर बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है ये बड़ों में ज़्यादा होती है, अडल्ट में रिलेटिवली ज़्यादा होती है, लाइक पल्मोनरी नहीं बल्कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वगैरह की वजह से हो सकती है। तो हम एपिस्टैक्सिस वाला टॉपिक निकाल लेते हैं। तो जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस है ये ज़्यादा कॉमन है, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस रिलेटिवली लेस कॉमन है। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस लिटल एरिया या इंटीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वॉल से निकलती है, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट से निकलती है। बच्चों में होगा ये, बड़ों में होगा,
कॉज इसमें ट्रॉमा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, हाइपर टेंशन या एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ब्लीडिंग इसमें माइल्ड होती है, सीवियर होती है। इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं लोकल प्रेशर या इंटीरियर पैकिंग से, लेकिन इसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और पोस्ट नेजल पैकिंग करनी पड़ती है। अब साइड्स ऑफ एपिस्टैक्सिस, सबसे ज़्यादा लिटल एरिया और फिर इसके बाद अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट, नीचे मिडल टर्बिनेट में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, डिफ्यूज और नेजो फायरिंग्स है। अगर कॉजेज के बारे में बात करते हैं तो तीन टाइप के कॉजेज होते हैं, लोकल, जनरल और इडियोपैथिक। लोकल को मजीद दो में डिवाइड करते हैं, नोस और नेजो फायरिंग्स। नोस के मजीद पाँच छः हैं, ट्रोमा, इन्फेक्शन, फॉरन बॉडी, न्यूप्लाजम, एटमोस्फेरिक चेंजेस और DNS। नेजो फायरिंग्स में एडीनोआइडाइटिस, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा और मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जनरल कॉजेस में CVS में हाइपर टेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्रेगनेंसी, हीमोफीलिया, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ड्रग्स, मीडियास्टिनल कंप्रेशन, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन और विकॉरियस मेंस्ट्रुएशन है, और लास्ट है इडियोपैथिक। ओके, एग्जाम में इसकी मैनेजमेंट पूछी जाती है, तो पहले फर्स्ट एड करनी है, फिर कॉटराइजेशन करनी है, एंटीरियर नेजल पैकिंग, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग, एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन है, एलिवेशन करनी है, म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप को रेसा मार करना है, वेसल्स की लाइगेशन करनी है लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड की, मैक्सिलरी आर्टरी की और एथमॉइडल आर्टरी की। इसके बाद ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक स्फीनोपैलेटल आर्टरी लाइगेशन और लास्ट में एम्बोलाइजेशन है। और एक और बात को रट्टा मार लेना कि जो वुडरफ प्लेक्सस है ये पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में आएगा। ओके, तो ये प्लेक्सस ऑफ वेन्स होता है इन्फीरियर टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ इन्फीरियर टर्बिनेट, यानी इन्फीरियर टर्मिनेट के पोस्टीरियर एंड के भी नीचे पड़ा हुआ होता है। लिटरो कॉलोमिलर वेन कॉलोमिलर से नीचे पड़ी हुई होती है, तो ये वीनस ब्लीडिंग कराती है यंग पीपल में, जबकि लिटल एरिया में चार आर्टरीज होती है, स्फीनो पैलेटिन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, एंटीरियर थायमॉइडल आर्टरी और इसके अलावा ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। ओके, तो उसको केसल बैक प्लेक्सस कहते हैं या लिटल एरिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्रस्टिंग वगैरह हो सकती है और एपिस्टैक्सिस हो सकती है, एंटीरियर एपिस्टैक्सिस। इसके बाद राइनोलिथ है। अब राइनोलिथ वाला टॉपिक मिसलेनियस डिसऑर्डर वाले के अंदर है। मिसलेनियस डिसऑर्डर के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी बच्चों के अंदर यूनिलैटरल यूनिलैटरल फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो, तो सबसे पहले फॉरन बॉडी, इसके बाद राइनोलिथ, नेजल डिफ्थीरिया, नेजल मीएसिस और एक्यूट या क्रॉनिक यूनिलैटरल साइनसवाइटिस, ये वजूहत हो सकती है। राइनोलिथ का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन इन द नेजल कैविटी। राइनोलिथ असल में ये न्यूक्लिएशन होती है अराउंड द फॉरन बॉडी, ब्लड क्लॉट या इंसिपिटेड सिक्रेशन। ओके, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट की डेपोजिशन होती है। क्लिनिकल फीचर में यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फुल स्मेलिंग होगी, ओके, डिस्चार्ज, ब्लड स्टेन होगा, फ्रैंक एपिस्टैक्सिस भी हो सकती है। एग्जामिनेशन में ग्रे ब्राउन या ग्रीनिश ब्लैक मैस होगा, इररेगुलर स्टोनी हार्ट फील होगा और ग्रैनुलेशन हो सकती है। इसको रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीजिया करते हैं और इसको रिमूव करने के लिए हम थोडीकोनोल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइनोसाइटिस। ओके, तो जो साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस क्या क्या होगी, तो पांच कॉम्प्लिकेशन होती है, लोकल, ऑर्बिटल, इंट्राक्रेनियल, डिसेंडिंग और फोकल। ओके, ठीक हो गया। लोकल के अंदर म्यूकोसील या म्यूकोपायोसील, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, ऑस्टियोमाइलाइटिस आ सकता है फ्रंटल बोन का, एमैक्सिला का। ऑर्बिटल के अंदर प्रीसेप्टल इन्फ्लेमेटरी एडिमा हो सकता है, सब पेरिओस्टियल एब्सेस हो सकती है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, ऑर्बिटल एब्सेस है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम है और ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम है। इंट्राक्रेनियल के अंदर एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल ब्रेन एब्सेस और ब्रेन मेनिनजाइटिस है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। डिसेंडिंग इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, ओटाइटिस मीडिया, फ्रेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस और फोकल इन्फेक्शन के अंदर पोलियोआर्थराइटिस वगैरह, ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। ओके, एग्जाम में ये वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ साइनसिस। तो जो फंजाई होते हैं, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, म्यूकोराइजोपस होते हैं, तो चार टाइप के डिसीज बढ़ने हैं, फंगस बाल, एलर्जिक फंगल साइनसवाइटिस, क्रॉनिक इन्वेसिव साइनसवाइटिस, फुलमिनेंट फंगल साइनसवाइटिस। फंगस बाल के अंदर क्या होगा, फंजाई हेल्थी साइनस के अंदर जाएगा। ओके, और सीटी स्कैन पे देखने पे पता चलेगा कि हाइपर डेंसिटी है, डबल डेंसिटी साइन होगा। ओके, ठीक हो गया। मैक्सिलरी साइनस को इन्वॉल्व करता है, फिर सफीनाइट, एथमॉइड और फ्रंटल आ जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर फंगस बाल को रिमूव करना है, एस्परजिलस की वजह से होता है। एलर्जी के अंदर क्या होता है कि एस्परजिलस की वजह से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो साइनोनेजल पॉलीपोसिस होता है, म्यूसिन होता है। ओके, ठीक हो गया। और म्यूसिन में इओजिनोफिल होता है, ओके, चारकोट लीडेड क्रिस्टल होते हैं, फंगल हाइफी वगैरह के अंदर होती है। ओके, फंगल हाइफी भी म्यूसिन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इसमें साइनस की म्यूकोजा की कोई इन्वेजन नहीं होगी, उसमें भी इन्वेजन नहीं थी, उसमें सिर्फ इम्प्लांटेशन थी। लेकिन क्रॉनिक साइनसवाइटिस के अंदर क्या होगा, इन्वेसिव साइनसवाइटिस के अंदर इन्वेजन होगा, बोन इरोजन होगा, क्रॉनिक राइनोसाइनसवाइटिस होगा, ओपेसिफिकेशन होता है। ओके, जबकि फुलमिनेंट के अंदर डायबिटीज या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट की हिस्ट्री होगी, म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से या एस्परजिलस की वजह से हो सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से राइनो सेरिब्रल डिजीज है, ब्लड वेसल को इन्वेट करेगा, जिसकी वजह से म्यूकोर फंगस इसकी में एक नेक्रोसिस करवा
आता है। इस्कीमिक नेक्रोसिस की वजह से ब्लैक इशार होता है जो कि इंफीरियर टर्बिनेट को इन्वॉल्व करेगा, और इसका ट्रीटमेंट होगा सर्जिकल डिब्राइडमेंट और एम्फोटेरिसिन बी। एस्परजिलस वाला ये भी फुलमिनेंट साइनसवाइटिस करवाता है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और ब्लैक इशार नहीं बनता। ट्रीटमेंट एंटी फंगल ड्रग और सर्जिकल डिब्राइडमेंट होगा। नेक्स्ट है एंजियोफाइब्रोमा। अब एंजियोफाइब्रोमा ये आपको नेसोफेरिंजियल के ट्यूमर में मिलेगा, ओके। तो एडिनोइड के बाद नेसोफेरिंजियल का ट्यूमर है, तो नेसोफेरिंजियल एडिनोमा को जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा वगैरह भी कहते हैं। तो इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, मेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है, ठीक हो गया। अब आगे इसका एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, तो मेल को इन्वॉल्व करेगा 20 साल का होगा। प्रोफ्यूज रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एपिस्टैक्सिस बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, डी नेजल स्पीच है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, एसवीएम होती है, नेसोफेरिंक्स में मैस होगा, उसको कभी भी पालपेट नहीं करना, ओके। और यहाँ पर एक स्केच बना हुआ है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का। बिनाइन ट्यूमर में एंजियोफाइब्रोमा के अलावा क्वानल पॉलिप स्क्वेमस पेपिलोमा, थॉर्नबॉल सिस्ट, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, पैनाग्रेंग्लियोमा, हिमाटोमा, कॉन्जेनिटल ट्यूमर जिसमें हेरी पॉलिप, टेराटोमा और एपिगेनेथी है। मैलिग्नेंट के अंदर आपने कैंसर पढ़ना है, ओके, लिम्फोमा, रेब्डो, मायोसारकोमा, कोर्डोमा वगैरह आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीटी स्कैन, एमआरआई, कैरोटिड एंजियोग्राफी, अरेंजमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ट्रीटमेंट इसका कितना टाइप का होता है, एक सर्जरी, नंबर टू रेडियोथेरेपी, नंबर थ्री हार्मोनल, नंबर फोर कीमोथेरेपी है। सर्जरी के अंदर ट्रांसपैलेटिन, ट्रांसपैलेटिन प्लस सबलेबियल जिसको सार्डाना अप्रोच कहते हैं, लैटरल राइनोटमी विद मीडियल मैक्सिलेक्टमी जो कि फेशियल इंसिजन या डीग्लविंग अप्रोच से कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक रिमूवल, ट्रांसमैक्सिलरी लीफोर्ट वन अप्रोच, मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच, फेशियल ट्रांसलोकेशन अप्रोच जिसको वी ऑपरेशन कहते हैं, इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच, इंट्राक्लिनिकल एक्स्ट्राक्लिनिकल अप्रोच, ओके, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच लिखी हुई है, उसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एनपीसी, एनपीसी क्या होता है, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है। इसकी एटियोलॉजी को देख लो तो जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और वायरल है। जेनेटिक में क्या होता है कि चाइनीज वाले में ज़्यादा कॉमन होता है, वायरल में एप्स्टीन बार वायरस होता है, ओके, ठीक हो गया। एप्स्टीन बार वायरस के दो इंपॉर्टेंट एंटीजन, वायरल कैप्सिड एंटीजन और आरडी एंटीजन होते हैं, ओके। अब आरडी एंटीजन के अगेंस्ट आईजीए होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, लेकिन सेंसिटिविटी रिलेटिवली कम होती है। लेकिन जो आईजीए वीसीए के लिए होती है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिसिटी कम होती है। इन्वायरमेंटल के अंदर एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, नाइट्रोसामीन वगैरह ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो नेजल सिप्टम में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, डी नेजल स्पीच होगा जिसको राइनोलेलिया क्लोजा कहते हैं, एपिस्टैक्सिस सेम एंजियोफाइब्रोमा वाले है। ऑटोलॉजिकल के अंदर एसओएम हो सकता है, सीलोसोटाइटिस मीडिया हो सकता है। ऑफ्थल्मोन्यूरोलॉजिकल के अंदर स्क्विंट, डिप्लोपिया, नेसोफेरिंजियल कैंसर की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकती है, इप्सिलैटरल टेम्पोरोपैलेटल न्यूरालजिया हो सकता है, पैलेटल पैरालिसिस हो सकती है। इन तीनों को मिलाकर ट्रोटो ट्रायड कहते हैं, क्या क्या, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, टेम्पोरोपैलेटल न्यूरालजिया और पैलेटल पैरालिसिस, इनको मिलाकर ट्रोटन ट्रायड कहते हैं। डायग्नोसिस के लिए एंडोस्कोपिक इवैल्यूएशन, इमेजिंग के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, सीटी एब्डोमेन वगैरह ये भी यूज़ कर सकते हैं, बायोप्सी, ऑडियोग्राम वगैरह कर सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है, फिर इसका ट्रीटमेंट होता है, इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पैपिलोमा, ओके। अब इन्वर्टेड पैपिलोमा आपको किस जगह पे मिलेगा, ओके, तो इन्वर्टेड पैपिलोमा आपको आना पड़ेगा नेजल कैविटी वाले चैप्टर में, ओके, ट्यूमर्स ऑफ नेजल कैविटी, ओके। तो इन्वर्टेड पैपिलोमा को आप ट्रांजिशनल सेल पैपिलोमा या रिनगर्ड्स ट्यूमर या शनाइडरियन पैपिलोमा भी कहते हैं, और नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा का ट्यूमर होता है जिसको शनाइडरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। लैटरल वॉल ऑफ नोज इन द मिडल मीएटस से निकलता होता है, इसकी साइड भी नोट कर लेना। इसको हाइपरप्लास्टिक पैपिलोमेटस टिश्यू होने की वजह से इसको इन्वर्टेड पैपिलोमा वगैरह कहते हैं। ट्रीटमेंट इसका मेजर पूछा जाएगा, मीडियल मैक्सिलेक्टमी वगैरह परफॉर्म करेंगे, ओके, ये लैटरल राइनोटमी से परफॉर्म कर सकते हैं या सब लेबियल डी ग्लविंग अप्रोच वगैरह से भी कर सकते होते हैं, ओके। रेडियोथेरेपी एडवाइस नहीं करते क्योंकि मैलिग्नेंसी को इंड्यूस कर देगा। इसके बाद एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, तो टॉन्सिलाइटिस वाले टॉपिक में आ जाओ। जब भी टॉन्सिल्स की बात करते हैं तो हम किस टॉन्सिल के बारे में बात करते हैं, पैलेटिन टॉन्सिल के बारे में बात करते हैं। तो जो पैलेटिन टॉन्सिल टू इन नंबर होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ओके। तो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसको मजीद चार में डिवाइड करते हैं, एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट कैटरल टॉन्सिलाइटिस के अंदर जनरलाइज फ्रेंजाइटिस होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के अंदर इन्फेक्शन क्रिप्ट में होगा, क्रिप्ट में पुरुलेंट मटेरियल होगा, येलोविश सपोर्ट होगी। पैरेन्काइमेटस के अंदर पूरा का पूरा टॉन्सिल सबस्टांस अफेक्टेड होगा, जबकि एक्यूट मेम्ब्रेनस के अंदर क्या होगा कि टॉन्सिल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो साइन और सिप्टम है, सिप्टम में सोर थ्रॉट होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग होगा, फीवर, कान में दर्द होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिप्टम है। साइन के अंदर ब्रेथ
काफ़ी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, प्यूट्रिड ब्रेथ होती है। ओके ठीक हो गया, यालविच सपोर्ट देखने को मिलती है एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में, या मेम्ब्रेन देखने को मिलती है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, या फिर जो टॉन्सिल्स होते हैं वापस में एक दूसरे को मीट करते हैं दरमियान में, तो वो होता है एक्यूट, वो क्या होता है एक्यूट पैरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग देते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, ओके सर्वाइकल एब्सेस, रूमेटिक फीवर, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि ये ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस से होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर निमोनिक है, मवद्दत मेल, एम फॉर मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस, वी फॉर विंसेंट एंजाइना, ए फॉर क्या होगा एफ्थस अल्सर, डी फॉर डिफ्थीरिया, ए फॉर अगेन एफ्थस अल्सर के बाद ए फॉर ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, टी फॉर क्या होगा, टी से होगा ट्रोमेटिक फीवर, MIL मिल, तो एम से क्या होगा मेलिग्नेंसी, आई फॉर इन्फेक्शस न्यूक्लियसिस मोनोन्यूक्लियसिस, और एल फॉर ल्यूकेमिया वगैरह। ठीक हो गया, इसके बाद क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, क्रॉनिक को भी फॉलिकुलर पैरेन्काइमेटस और फिब्रॉइड में डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, इसको क्विंसी वगैरह कहते हैं, पैराफेरेंजियल एब्सेस, इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिलर सिस्ट, फोकस ऑफ इन्फेक्शन इन द रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आई और स्किन डिसऑर्डर होते हैं। ठीक हो गया, बाकी वन को एक्सप्लेन करता है जिनको अभी हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है एडिनोइड है, तो एडिनोइड वाला ये आपको मिलेगा नेजोफेरिंक्स में, तो जो नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल है उसको एडिनोइड कहते हैं। ओके तो जो एडिनोइड होता है उसकी फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट होती है, पैथोलॉजिकल एनलार्जमेंट भी होती है। जनरलाइज लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है, तो पहला तो जनरलाइज लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया, नंबर टू रिनाइटस, नंबर थ्री साइनसोइटिस, नंबर फोर क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, और नंबर फाइव क्या होगा एलर्जी। तो ये पांच चीज़ें हैं जो कि एडिनोइड हाइपरट्रॉफी करवाती है। साइनो सिप्टम के बारे में बात करते हैं, तो नेजल सिप्टम होगा, ओरल सिप्टम होगा, जनरल सिप्टम होगा। नेजल सिप्टम में नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज, साइनोसाइटिस, एपिस्ट्रेक्सिस और वॉइस चेंज है। ओरल सिप्टम में ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, ASOM हो सकता है, क्रॉनिक सुपीरियर ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया विद फ्यूजन हो सकता है। जनरल सिप्टम में एडिनोइड फेसेस है, एडिनोइड फेसेस में फेस इलोंगेटेड होता है, हाई आर्च पैलेट होगा, ओके डल एक्सप्रेशन होगी, ओपन माउथ होगा, प्रोमिनेंट और क्राउडेड अपर टीथ होगा, अपर लिप हिच अप होगा और नोज पिंच इन होगी ड्यू टू डिस यूज एट्रॉफी ऑफ नेजल अलाई। हाई आर्च पैलेट होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एप्रोसेक्सी आपको देखने को मिलता होता है। डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं कि आप IDL वगैरह करते हैं, इसके अलावा फ्लेक्सिबल नेजोफेरेंजोस्कोप और सॉफ्ट टिश्यू लैटरल रेडियोग्राफ ऑफ नेजोफेरिंग्स, ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट है लुडविक अंजाइना। ओके तो लुडविक अंजाइना वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शन वाले के अंदर है। लुडविक अंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ द सब मैंडिबुलर स्पेस। अब सब मैंडिबुलर स्पेस किसके दरमियान में पड़ी होती है, फ्लोर ऑफ माउथ और टंग, और दूसरा सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। इसको दो में डिवाइड करवाने वाला माइलो हाइवाइट मसल है, सब लिंगुअल कंपार्टमेंट और सब मैक्सिलरी सब मेंटल कंपार्टमेंट। सब लिंगुअल कंपार्टमेंट माइलो हाइवाइट से ऊपर होता है, सब मैक्सिलरी और सब मेंटल माइलो हाइवाइट से नीचे पड़ा हुआ होता है, और दोनों कंपार्टमेंट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ माइलो हाइवाइट से कंटिन्यूस होते हैं। इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो डेंटल इन्फेक्शन सब मैंडिबुलर सेलाडिनाइटिस वगैरह की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गैस होगा, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ओके क्लिनिकल फीचर के अंदर क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग जिसको डायनोफीजिया, ट्रिस्मस, डिस्फेजिया होता है। अगर सब लिंगुअल स्पेस में इन्फेक्शन है तो फ्लोर ऑफ माउथ के स्ट्रक्चर की स्वेलिंग होती है, टंग अपवर्ड और बैकवर्ड पुश हो जाएगा। सब मैक्सिलरी स्पेस का इन्फेक्शन है तो सब मेंटल और सब मैंडिबुलर रीजन की स्वेलिंग होती है और वुडी हार्ड फील आपको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट के अंदर सिस्टमिक एंटीबायोटिक, इंसियन ड्रेनेज और ट्रैकियोस्टमी, या कॉम्प्लिकेशन में पैराफेरेंजियल यूट्रोफेरेंजियल एब्सेस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू लैरिंजियल एडिमा, सेप्टिसीमिया और रेस्पिरेशन निमोनिया वगैरह हो सकता है। इसके बाद पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जिसको क्विंसी कहते हैं, तो पेरिटॉन्सिलर स्पेस के अंदर पस का जमा होना, पेरिटॉन्सिलर स्पेस दो चीज़ों के दरमियान में पड़ी हुई होती है, कैप्सुलर टॉन्सिल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल के दरमियान में होती है। तो जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बाद हो सकती है। ओके किस तरह से, इसके पहले टॉन्सिलर क्रिप्ट होगा, क्रिप्टा मैग्ना का इन्फेक्शन होगा, वो सील ऑफ हो जाएगा। ओके जिसकी वजह से इंट्रा टॉन्सिलर एब्सेस होगा, वो फट जाएगी, टॉन्सिलर कैप्सूल से फटेगी तो पेरिटॉन्सिलाइटिस होगा और एब्सेस बन जाएगी। ओके तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, स्टेफलाकोकस ओरियस देखने को मिलता है, जबकि पैरोटिड एब्सेस करवाने वाला स्टेफलाकोकस ओरियस होता है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं, तो जनरल में सेप्टिसीमिया, फीवर, राइगर्स वगैरह होते हैं। लोकल में डायनोफेजिया, डिसफेजिया, मफल्ड थिक स्पीच होगी, फूल ब्रेथ होता है, प्यूट्रिफिकेशन होती है, इप्सिलैटरल एयर पेन होगा, ट्रिस्मस होगा। ओके इतना ज़्यादा ट्रिस्मस होगा कि जो बंदा है वो अपना स्लाइवा तक निगल नहीं सकता। एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं, तो टॉन्सिलर पिलर को
टॉन्सिल्स को सॉफ्ट पैलेट कंजेस्टेड और स्वेलन देखने को मिलेगा, यूवुला की स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा और ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट पैलेट की बल्जिंग होती है, म्यूकोपस देखने को मिलेगा ओवर टॉन्सिलर रीजन, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, जुगुलर डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा और टॉर्टिकोलिस होता है। ट्रीटमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन, इंट्रावीनस फ्लूड, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, ओरल हाइजीन देते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंसीजन ड्रेनेज, ओके, इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी और एब्सेस या हॉट टॉन्सिलेक्टमी वगैरह करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में पैराफेरेंजियल एब्सेस, एडिमा ऑफ लैरिंग्स, ओके, सेप्टिसीमिया, सेम वही है जो लुडविग एंजाइना में है, बस निमोनाइटिस वगैरह ये चीज़ें आ गई हैं, निमोनाइटिस, जुगलर वेन थ्रोम्बोसिस और स्पॉन्टेनियस हेमरेज। इसके बाद रेट्रोफेरेंजियल या पैराफेरेंजियल एब्सेस है, ओके, तो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक, क्रॉनिक को प्री वर्टिब्रल एब्सेस भी कहते हैं, ओके। इसके अलावा जो पैराफेरेंजियल एब्सेस है, एग्जाम में जो पूछी जाती है वो पैराफेरेंजियल एब्सेस है, तो पैराफेरेंजियल एब्सेस को एब्सेस ऑफ फेरेंजियो मैक्सिलरी लैटरल फेरेंजियल स्पेस भी कहते हैं, ओके, तो इसके रिलेशनशिप लिखे हुए इसको छोड़ दो। एटियोलॉजी में क्या हो सकता है कि फेरिंग्स, टीथ, ईयर, एक्सटर्नल ट्रॉमा, इसका इन्फेक्शन यहाँ पे आके पहुँच गया, ओके। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, दो टाइप के होगा, इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट होगा तो तीन चीज़ें होगी, नंबर वन प्रोलैप्स ऑफ टॉन्सिल और टॉन्सिलर फोसा, नंबर टू ट्रिस्मस, नंबर थ्री एक्सटर्नल स्वेलिंग। पोस्टीरियर के अंदर क्या चीज़ें होगी, फेरिंग्स की बल्जिंग होती है, किडनी नर्व की पाल्सी होगा और पैरोटिड रीजन की स्वेलिंग होगी, ओके। बाकी दोनों में जो कॉमन है वो फीवर, ओडाइनोफेजिया, शॉर्ट थ्रोट, टॉर्टिकोलिस और साइन ऑफ टॉक्सीमिया, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक और ड्रेनेज ऑफ एब्सेस है। नेक्स्ट है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, यानी आप लैरिक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को हम सुपराग्लॉटिक रेनिनजाइटिस कहते हैं। सुपराग्लॉटिक स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन होती है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिक फोल्ड और एरिटिनॉइड, एडिमा होता है इनका जिसकी वजह से एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, 2 से लेकर 7 साल वाले बच्चों को इन्वॉल्व करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है, ओके। सडन ऑनसेट होता है, सॉर थ्रोट, डिसफेजिया होगा, ओके, डिस्निया या स्ट्राइडर इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। अडल्ट में क्या होगा, अडल्ट में सॉर थ्रोट, डिसफेजिया, बच्चों में डिस्निया और स्ट्राइडर होगा, फीवर होता है, ट्राइपोड पोजीशन है। टंग डिप्रेसर से देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड स्वेलन एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा और एक्सरे के अंदर थंब साइन होगा। ट्रीटमेंट में निमोनिक है हसन, हॉस्पिटलाइजेशन, एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड, एडिक्यूएट हाइड्रेशन और इंट्यूबेशन, ह्यूमिडिफिकेशन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसका एक्यूट एपिग्लोटाइटिस और क्रॉप का डिफरेंस आना चाहिए, ओके। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है, लेकिन एक्यूट लैरिंजियल ट्रैकियोब्रोंकाइटिस पैरइन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1 टाइप 2 की वजह से होता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस 2 से लेकर 7 साल वाले बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, क्रॉप वाला 3 मंथ से लेकर 3 साल वाले को इन्वॉल्व करेगा। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस सुपराग्लॉटिक को इन्वॉल्व करता है, क्रॉप सब ग्लोटिक को इन्वॉल्व करेगा, प्रोड्रोमल सिप्टम क्राउप में होते हैं, ऑनसेट एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का सडन होगा, फीवर दोनों में हाई होता है, वैसे इसमें एपिग्लोटाइटिस में हाई होता है, इसमें लो ग्रेड होता है, पेशेंट लोग इसमें टॉक्सिक होती है, इसमें नॉन टॉक्सिक होता है, कफ इसमें नहीं होती, इसमें कफ होती है, स्ट्राइडर्स में होता है, स्ट्राइडर्स में भी होता है, ओके। ओडाइनोफेजिया इसमें होता है, ओडाइनोफेजिया भी इसमें होता है। रेडियोलॉजी में थंब साइन और ये क्या होता है, स्टीपल साइन होता है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है। इसके बाद कैंसर ऑफ लैरिंग्स वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, तो कैंसर ऑफ लैरिंग्स वाले टॉपिक के अंदर, ओके, तो जो ईयर लैरिंग्स का जो कैंसर है वो तोबाको, अल्कोहल, बेंजोपायरिन, रेडिएशन, एस्बेस्टोस, मस्टर्ड की वजह से हो सकता है। तीन टाइप का होता है, सुपराग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सबग्लॉटिक है, ओके। सुपराग्लॉटिक के अंदर क्या सिप्टम होगी, हॉर्सनेस, लेट सिप्टम है, थ्रॉट पेन, डिसपेजिया, ओके, रेफर्ड पेन इन ईयर, ये हो सकता है। ग्लॉटिक के अंदर हॉर्सनेस वाइज सबसे पहले आएगा, ओके, वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन होती है। सबग्लॉटिक के अंदर क्या होगा, अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन स्ट्राइडर या लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ओके। डायग्नोसिस के लिए आप हिस्ट्री लोगे, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी करेंगे, इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में अपीयरेंस को, वोकल कॉर्ड मोबिलिटी को, एक्सटेंट को देखोगे, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक या रिजिड लैरिंजोस्कोपी करोगे, नेक की एग्जामिनेशन करोगे, रेडियोग्राफी में एक्सरे, चेस्ट, सॉफ्ट टिश्यू लैटरल व्यू, नेक, सीटी स्कैन, एमआरआई, फिर आईडीएल करोगे, माइक्रो लैरिंजोस्कोपी करोगे और सुपरा वाइटल स्कैनिंग वगैरह करोगे। ट्रीटमेंट के अंदर रेडियोथेरेपी, सर्जरी, सर्जरी भी दो टाइप की होती है, कंजर्वेटिव और टोटल, कंबाइंड एंडोस्कोपिक रिसेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर और ऑर्गन प्रिजर्वेशन है, और लास्ट में वोकल रिहैबिलिटेशन है। वोकल रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी वो बंदा बोल नहीं सकता तो रिटन लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, या एफोनिक लिप स्पीच है, या इसोफेजियल स्पीच है, या फिर आर्टिफिशियल लैरिंग्स है। आर्टिफिशियल लैरिंग्स दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रो लैरिंग्स और ट्रांस ओरल न्यूमैटिक डिवाइस। इसके अलावा ट्रैकियोसोफेगल स्पीच दो टाइप की होती है, ब्लूम सिंगर प्रोस्थेसिस और पेंजी प्रोस्थेसिस। इसके बाद ट्रैकियोस्टमी है, तो जो ट्रैकियोस्टमी इज द ओपनिंग और ओपनिंग इन द इंटीरियर वाल ऑफ ट्रैकिया और उसको जोड़ देना स्किन ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस, ओके। तो उसकी कुछ फंक्शंस होते हैं, नंबर वन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ब्रीदिंग, नंबर टू एल्वियोलर वेंटिलेशन को इम्प्रूव करना,
नंबर थ्री एयरवे को प्रोटेक्ट करना, नंबर फोर रिमूवल और ट्रैक योर ब्रोंकियल सेक्रेशन, नंबर फाइव इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, और लास्ट में एनेस्थीसिया देने के लिए। और इसकी तीन इंडिकेशन होती है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, रिटेंट सेक्रेशन और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी में एम्फिसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगा। रिटेंट सेक्रेशन में कफ, पेनफुल कफ, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में इन्फेक्शन, ट्रोमा, न्यूप्लाज्म, फॉरेन बॉडी, लैरिंग्स, एडिमा, बायलैटरल अबडक्टर पैरालिसिस या कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है। ओके, तो जो वर्टिकल इंसिजन है ये आप किस कंडीशन में देते हैं? वर्टिकल इंसिजन देते हैं इमरजेंसी वाले के अंदर, ठीक हो गया। ओके, और दूसरी इलेक्टिव होती है। बाकी हम आ जाते हैं इनकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ। तीन टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लेट। इमीडिएट में हैमरेज, एपनिया, निमोथोरक्स, इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, इंजरी टू द एसोफेगस है। इंटरमीडिएट में ब्लीडिंग होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब है, ब्लॉकिंग ऑफ ट्यूब है, सबकुटेनियस एम्फिसीमा है। लेट में हैमरेज ड्यू टू द इरोजन ऑफ मेजर वेसल, लैरिंजियल स्टीनोसिस, ट्रैकियल स्टीनोसिस, ट्रैकोएसोफेगल फिस्टुला, क्रोनियन ट्रैकियोस्टोमी, स्कार बन जाता है। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी और इसोफेगोस्कोपी है, तो हमें जाना पड़ेगा इस वाले टॉपिक के अंदर। ओके, तो इनकी इंडिकेशन पूछी जाती है। ब्रोंकोस्कोपी दो कंडीशन में करते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक में वीजिंग, हिमोप्टेसिस या अनएक्सप्लेन्ड कफ के कॉज को ढूंढने के लिए। नंबर टू, जब एक्सरे चेस्ट में एटीलैक्टेसिस, ओपेसिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा या मीडियास्टिनल शैडो हो, या वोकल कॉर्ड पाल्सी या ब्रोंकियल सिक्रेशन कोलेक्ट हो गया हो, तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। थेरापेटिक के अंदर एफपी को रिमूव करने के लिए या सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन में टीथ या लिप्स की इंजरी हो सकती है, हैमरेज हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है और लैरिंजियल एडीमा हो सकता है। इसोफेगोस्कोपी की भी दो वही इंडिकेशन है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। थेरापेटिक में एफपी को निकालोगे, इसके अलावा बिनाइन लीजंस को रिमूव करने के लिए या डायलिटेशन, अगर डायलिटेशन करेंगे अगर इसोफेगल स्ट्रक्चर आ गया, या फिर कोई ट्यूब डालने के लिए कर सकते हैं, या इसोफेजियल वायरसेस को इंजेक्ट करने के लिए। डायग्नोस्टिक में हम डायग्नोसिस करेंगे, लाइक कास का पता चलाएंगे, डिस्पेजिया का, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग का, हिमोप्टेसिस का या प्राइमरी मैस का। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद टॉन्सिलेक्टमी है, लास्ट है हमारा टॉन्सिलेक्टमी। ओके, तो टॉन्सिलेक्टमी है, इसकी भी दो कंडीशंस होती है, तीन होती है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन। एब्सोल्यूट में रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ थ्रॉट है, लाइक 7 या मोर एपिसोड इन 1 ईयर, 5 एपिसोड 2 साल में, 3 एपिसोड 3 साल में, 2 वीक्स या मोर इन 1 ईयर। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, टॉन्सिलाइटिस, हाइपरट्रॉफी ऑफ टॉन्सिल और सस्पिशन ऑफ मलिग्नेंसी है। रिलेटिव में कैरियर में यूज करते हैं, डिप्थेरिया, स्ट्रेप्टोकोकल या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस, या फिर एज अ पार्ट ऑफ अनदर ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल पैलेटोफेरिंजियोप्लास्टी, ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरेक्टमी या स्टाइलाडोसिस को रिमूव करने में हम टॉन्सिलेक्टमी परफॉर्म करते हैं। इसके बाद एडिनोइडेक्टमी है, एडिनोइडेक्टमी एडिनोइड हाइपरट्रॉफी में करते हैं। रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस है या ओटाइटिस मीडिया है। ओके, या डेंटल मालोकुलिजन है। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ व्यूज लिखे हुए हैं, टेम्पोरल बोन में ला व्यू, शुलर व्यू, स्टेनवर व्यू, टाउन व्यू, ट्रांस ऑर्बिटल व्यू, सब बेंटो वर्टिकल व्यू। पैरानेजल साइनेसिस में वाटर व्यू, जिसको ऑक्सीपिटोमेंटल या नॉस चेन व्यू कहते हैं। कार्डवल लक्स व्यू, जिसको ऑक्सीफो ऑक्सीपिटो फरेंटल व्यू या नॉस फोर हेड व्यू कहते हैं। ओके, लैटरल व्यू, सब बेंटो, वर्टिको, बेजल व्यू और लास्ट में राइट एंड लेफ्ट ओब्लिक व्यू। ओके, तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।